हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर से रिलेटेड एक और बैड न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रीवियसली एक और बैड न्यूज़ आई थी चैडविक बॉसमैन की, जो कि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले करते थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये खबर सुन के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा झटका लग रही, और देन फैंस भी काफ़ी ज़्यादा गम में डूबे रहे। और देन अब ब्लैक पैंथर का क्या होगा इन फ्यूचर, ये तो मुझे भी नहीं पता और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे ब्लैक पैंथर 2 का। अब एक और बैड न्यूज़ ये आई है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अभी हाल ही में हुए ब्रॉडकास्ट में, जिसका नाम था स्मार्टलेस, उसमें उन्होंने हिमसेल्फ खुद ही कंफर्म कर दिया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो अब इस कैरेक्टर को नहीं करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हो कि एवेंजर्स एंड गेम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही, और देन उन्हें जो श्रद्धांजलि दी गई, देन उनके जो कैरेक्टर को जिस तरीके से मारा गया, वो शायद एक प्री प्लानिंग थी पहले से ही कि वो खुद हिमसेल्फ नहीं चाहते हैं कि वो आगे इन फ्यूचर ये कैरेक्टर प्ले करें। और स्मार्टलेस ब्रॉडकास्ट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद ही ये चीज़ कंफर्म करी कि ऑल डन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और देन ये न्यूज़ काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो पाई, और देन काफ़ी लोग ये भी समझ रहे थे फैंस ज़्यादातर कि शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने वंस अगेन कंफर्म कराया कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन का कैरेक्टर दोबारा प्ले करेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये चीज़ काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुई, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाए कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये चीज़ क्लियर करी है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ पूरा ऑल डन कर चुके हैं, और वो दोबारा से इस कैरेक्टर में रिटर्न नहीं आना चाहती हैं। यानी कि अब हमें एवेंजर्स 5 नहीं देखने को मिलेगी, आयरन मैन 4 देखने को नहीं मिलेगी, और तो और जो अपकमिंग कैमियोज हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ ब्लैक विडो को छोड़कर हमें ब्लैक विडो में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक कैमियो देखने को मिलेगा आयरन मैन वाला। तो गाइस, ये था वो फुल अपडेट जो कि काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। और देन मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो रिटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भले वो AI वर्जन में रिटर्न हो जैसे कि जार्विस है, और देन भले वो एक प्रॉपर कैमियो में रिलीज हो, चाहे वो ओल्ड वाला हो। आपका क्या मानना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।